सर जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? स्क्रीन पे ग्राफ पेपर नजर आ रहा है। इस ग्राफ पेपर की मदद से हम किस तरह से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करेंगे। पहले ये जानने से पहले मैं आपको उसका टेबल पहले दिखा देता हूँ। ये वो एक्चुअल में टेबल है जो हमें गिवन है। क्लास इंटरवल के 0 से लेकर 10 तक हमें ग्रुप में साफ नजर आ रहे 9 वैल्यूज हैं। फिर हमें साफ दिख रहा है कि 10 से लेकर 20 तक का जो टेबल है इसमें 14 वैल्यूज हैं। 20 से लेकर 30 तक 26 वैल्यूज, और इस तरह ये तफसील से आपको हमें एक टेबल दिया गया है कि हर ग्रुप में कितनी कितनी वैल्यूज है। इसकी मदद से हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते थे वो भी जरा रिकॉल कर दूं। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल्स है वो 2 बाउंड्रीज में दिए हुए हैं। अलबत्ता कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कर्व में सिंगल बाउंड्री में टेबल आपको दिया हुआ है, लेकिन सारे के सारे इंटरवल वही हैं जो वहां थे। वहां पर आपका ग्राफ शुरू होता है 0 से और एंड हो रहा है 80 पे। यहाँ भी देखें 0 से शुरू हो रहा है और 80 पे खत्म हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारे इस टेबल में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं, या देखिए पहली पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि जी कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 से छोटी हैं हमारे इस टेबल में अवेलेबल। जी, हम देख सकते हैं पहला ग्रुप हमें 9 फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, यानी कि 9 वैल्यूज ऐसी हैं, 9 नंबर ऐसे हैं जो 0 से तो बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 की 9 वैल्यूज हैं ये 10 से छोटी हैं लेकिन 0 से बड़ी हैं। जबकि यहाँ पूछ रहा है बताइए 0 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं, तो जवाब आएगा 0 वैल्यू। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है इस टेबल में जो कि 0 से छोटी हो, सारी वैल्यू 0 से बड़ी है। फिर आप देख सकते हैं उसकी अगली बात यह है, ये पूछ रहा है आपसे कि 10 से छोटी, 10 से छोटी कितनी वैल्यूज है हमें इस टेबल में बतानी है। यहाँ लिखा हुआ 9। भाई कैसे हमने 9 डिस्कवर किया, ये देख सकते हैं जी। पहला ग्रुप आपको बता रहा है देयर आर 9 वैल्यूज इन द फर्स्ट ग्रुप, और ये 9 वैल्यूज आपको दिखा रही है कि जी ये 9 की 9 वैल्यूज 10 से छोटी हैं, और यही हमसे कहा था कि 10 से छोटी 9 वैल्यूज हैं। फिर लिखा हुआ 20 से छोटी स्मॉलर वैल्यू दे से 23। हाउ 23, आइए देखते हैं। उसने कहा है कि जी ये 14 वैल्यूज वो हैं जो 20 से छोटी हैं बट 10 से बड़ी हैं, लेकिन 9 वो वैल्यूज हैं जो 10 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सारी वैल्यूज यानी कि 14 प्लस 9 23 वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो सब की सब 20 से छोटी हैं, और यहाँ हमसे ये पूछा गया था कि 20 से छोटी कितनी वैल्यूज है, लिहाजा 20 से छोटी वैल्यू 23 वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर मौजूद। सिमिलरली अब आपसे पूछ रहा है कि जी 30 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं, 30 से छोटी कितनी वैल्यूज है, तो 30 से छोटी हमें यहाँ लिखी है 49 वैल्यूज। ये इसने कैसे डिस्कवर करा? इसने ऐसे डिस्कवर करा कि उसने इन तीन इन सॉरी उसने 30 से छोटी वैल्यूज ये भी और ये भी इन सब को उसने ऐड कर लिया, क्योंकि ये सब की सब वैल्यूज 30 से छोटी हैं। तो 26, 14 और 9 इन सबको ऐड किया एंड द रिजल्ट इज 49। फिर उसने डिमांड की जी 40 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं, आइए देखते हैं टेबल में। ये देखिए जी 40 से छोटी ये सारी वैल्यूज 40 से छोटी हैं, यानी इन सबको मैं ऐड कर लूंगा तो आई विल गेट हाउ मेनी वैल्यूज आर लेस देन 40 एंड वी फाउंड 76। फिर उसने कहा जी 50 से छोटी वैल्यूज कितनी, ये बता रहे 101। भाई कैसे आई 101? अगर मैं 50 से छोटी वैल्यू देख सकता हूँ ये 25, 27, 26, 14 ये सब की सब वैल्यूज जो हैं ये सब छोटी हैं 50 से, तो दैट कंप्राइजेस ऑफ 101। फिर देख लीजिए अगले पार्ट में कह रहा है 60 से स्मॉलर, उसने कहा 123 वैल्यूज है। भाई कैसे होगा 123 वैल्यूज? ऐसे होगा 123 वैल्यूज कि अगर मैं 60 से स्मॉलर सारी वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दूं, यानी इन सब को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये बन जाता है। सिमिलरली 70 से छोटी सारी वैल्यूज ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 140,
और फिर अगर मैं 80 से छोटी सारी वैल्यूज ऐड करूंगा तो सम आ रहा है 150, एज यू कैन सी हियर। तो इसका मतलब ये होगा टोटल वैल्यूज आपके डेटा में 150 वैल्यूज है। अच्छा जी, अब इनको प्लॉट कैसे किया जाएगा, आइए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जी, ये ग्राफ पेपर, इस पे हमने इनको प्लॉट किया। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज है 0 से लेकर 80 तक है, और वाई एक्सिस पे लेकर 0 से लेकर 50 तक वैल्यूज है। एक बात, दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 डिवीजन हुई हुई है, इसका मतलब है एक डिवीजन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसी तरह से डिविजन आगे चल रही है। सेम है डिविजन यहाँ पर भी हुई हुई है, 5, 10, sorry, 8, 10 की डिविजन है, 10, 20, 30, 40, 50, यानी एक डब्बा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखें जो पहला पॉइंट था, मैं आपके गोश गुजार कर दूं, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास था 0 पे 9 था, सॉरी ये था 10 पे 9 था। आप देख सकते हैं एक्स पे 10 है और वाई पे स्लाइड सा नीचे है, क्योंकि ये 10 की लाइन है, इससे स्लाइड सा नीचे पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था जी 20, 20 पे हमारे पास क्या वैल्यू थी सरकार, यहाँ देख सकते हैं 20 पे हम देख सकते हैं 23 हमें नजर आ रहा है, 20 पे हमें 23 नजर आ रहा है, और 30 पे हमें 49 नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे मार्क हुआ है। ये पहला पॉइंट आया 10 पे 9, फिर 20 पे 23 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 है, 23 से थोड़ा सा ऊपर है इसके। 40 पे देख लीजिए ये आ गया है, 30 पे आ रहा है, 49 आ रहा है। 40 पे आप देख सकते हैं ये है जी 40 पे, 60, 70, 80, यानी कि 78 और 79 यहाँ पर आ गया आपके पास। फिर आ जाइए, दिस इज 50, 50 पे कितना बन रहा है, 101 बन रहा था, यहाँ पर आ गया सरकार। 60 पे देखिए ये रहा 60, आप देख सकते हैं ये पॉइंट थोड़ा आगे निकल गया, दिस पॉइंट इज क्वाइट फार फ्रॉम, एक मिनट रुकिएगा, दिस पॉइंट शुड नॉट बी हियर। ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा टेबल बता रहा है 60 पे 123 बता रहा है, तो 60 पे 123 होने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट नीचे होना चाहिए था। देखें कहाँ होगा, मैं अब आपको करेक्शन करवा रहा हूँ, ये देखें ये हो गया 110, ये हो गया 120 और ये हो गया 123 अप्रॉक्सीमेटली, ये लाइन यहाँ पर आके हमने जोड़ दी। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी यकीनन डेफिनेटली रॉन्ग हो रहा है। देखिए ये पॉइंट कहाँ आता है, ये हम आपको दिखाते हैं, ये किधर था, 70 पे देख रहे हैं 140 नजर आ रहा है, तो यकीनन गलत जगह लगा है, तो 150 के ऊपर चला गया। तो 70 से 140 का मतलब ये हुआ कि ये आप देख सकते हैं ये हम पहुंचे 150 और ये हो गया जी 140, दिस इज आवर 140। तो ये आपका पॉइंट यहां पर आ गया। अब आखिरी पॉइंट की बात कर लें, आखिरी पॉइंट आपका होगा 150 पे, 80 पे 150 है, इसका मतलब 80 पे ये आ गया, 150 आ गया। इस लाइन को भी यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, ये हमारा कर्व कंप्लीट हो गया इस तरह से। अच्छा जी, अब मैं आपको खुद दोबारा से इसका डिस्प्ले दूं। जी अब देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, पहला पॉइंट मार्क हो 10 पे, फिर 20 पे 23 आया, 30 पे 49 आ रहा है, 40 पे 78 आ रहा है, 60 पर, ये देखिए 50 पे आप देख सकते हैं, यस 50 पे आप देख सकते हैं 101 आ रहा है, 60 पे आप देख सकते हैं 123 आ रहा है, 70 पे 140 आया और 80 पे ये 150 आया।
ये मैं सारी लाइनें ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में, पॉइंट्स ज्वाइन करो, ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन होकर कुछ यूं बन जाएगा हमारे पास. दिस इज द कर्व, स्मूथ कर्व, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. अच्छा जी, अब हम हमसे इसमें से क्या पूछा गया है, मीडियन. आप देख सकते हैं 150 का हाफ, 150 का हाफ होता है 75. तो आप देख सकते हैं ये है 60, ये है 70 और ये 75. 75 पे हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करा, चूंकि 150 का आधा 75 पर होगा. यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, आप देख सकते हैं दिस इज अवर रिजल्ट. ये है 20, 25, 30, 35 और ये अप्रोक्सीमेटली 38, 39 को आंसर आ रहा है. तो हमने देखने के लिए क्या लिखा आंसर अपने पास, ये 39 आंसर लिखा. 38, 39 दोनों करेक्ट आंसर ज्यूम किए जाएंगे. तो आपने कहा सर हमने कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाकर इसकी मदद से चीजें ढूंढ ली हैं. अच्छा देखिए, अब मैं आपके साथ इसी में कुछ वर्किंग और शेयर कर रहा हूँ. अब जैसे अगर मुझे रिक्वायर है लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल कहते हैं हाफ, हाफ का भी हाफ. लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो हाफ का भी हाफ हो जाता है. कैसे होगा हाफ, देखिए ये देख लीजिए 75 है, 75 का आधा कोई बताएगा मुझे 75 का हाफ कितना होगा भाई और मैनू, 75 का हाफ कितना होगा? 37.5. भाई देखिए 37.5 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ मार्क कर रहे हैं. मैं पहले बता दूं, ये देखें ये आ गया 20, ये आया 30 और ये 37.5 अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं होगा. यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मैंने कुछ वैल्यू इसलिए रोक के रखी थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं. अच्छा जी, अब आइए इधर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है इसके बाद. जी हाँ भैया जी, क्या रिजल्ट बन सकता है जरा देख लेते हैं इसको. आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर और वादे तौर पर आपको नजर आएगा ये कि ये क्या चीज दिख रही है आप लोगों को. जी अब जरा देखिए, जरा हम सारे पॉइंट्स दोबारा दिखा रहे हैं आपके सामने, सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, छत्ते कूदते सारे पॉइंट्स आए, ये सारी लाइन दोबारा हमने बनाई. ये हमने आपसे मीडियन कैलकुलेट करवाया था और मीडियन हमारे पास आया था 39. ये है जी मीडियन. अब आ गए हम अपने लोअर क्वार्टाइल की तरफ, 37.5 अप्रोक्सीमेटली तो हमारा रिजल्ट ये बन रहा है. अच्छा जी, अब अगर मैं इसको यहाँ से इधर को चेक करूँ तो यहाँ तो हो गया 25 और यहाँ पर है 30, तो इसका मतलब ये 26 और 27 अप्रोक्सीमेटली हो सकता है. तो इसको मैं अगर थोड़ी देर के अज्यूम करूँ कि हाँ ये 27 है, तो ये रिजल्ट मेरा 27 हो जाएगा. कैसे हो जाएगा 27, आइए इसको भी लिख लेते अपने पास. ये हम अपने पास मेंशन कर रहे हैं कि आंसर 27 आ गया. हम ये हमारा आ गया लोअर क्वार्टाइल आ गया. दिस इज द वे यू कैन सी द रिजल्ट टू 27. यस, अब आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स आपके हम दोबारा प्लॉट हो रहे हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए. सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया मैंने, उसके बाद इन सबको ज्वाइन करा फ्री हैंड. अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, क्योंकि डिजिटल लाइंस हैं तो ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने फ्री हैंड ही कर्व बनाना है. ये आप इसको देख के ये मैं समझिएगा कि आप स्केल से ज्वाइन कर देंगे, स्केल से बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको फ्री हैंड ही बनाना होगा जैसा आपको बताया गया, बिल्कुल वैसे ही काम करना है. ये देखें लोअर क्वार्टाइल आ गया, हमारे पास 27 आ गया. तो यूँ आपने देखा कि इसकी मदद से हमने अपने ग्राफ को बनाया पहले और फिर उसकी मदद से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करा. अच्छा, ये आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं इसी हवाले से. जी सरकार, ये है एक और कर्व आपके सामने, आप देख सकते हैं इसका टेबल नजर आ रहा है. 0 से लेकर 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 to 100.
ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हैं, हर ग्रुप की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी मदद से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जी पहले उसने कहा था जी 20 से छोटी 9 वैल्यूज हैं, और यहाँ लिखा था 0 से छोटी, तो 0 से छोटी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, लिहाजा ये हमारे पास हो गई 0 से छोटी, जो वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कह रहा है 20 से छोटी 9 वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ मैंने 20 से छोटी 8 लिखा भाई, 9 होंगी, 9 वैल्यूज है 20 से छोटी। फिर देखिए यहाँ पर अब 40 से छोटी आपको दिख रही है, 14 प्लस 9 मेक्स 23, और यहाँ कितना दिया हुआ है 17, हाँ जी गलत दिया हुआ, सही होना चाहिए, इट शुड बी 23, ये देखें 23 हो गया हमारे पास। फिर देखिए अब आइए 60 से छोटी, देख रहे हैं आप 60 से छोटी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो 60 से छोटी हो जाएंगी, तो 26, 14 और 9 को ऐड कर लीजिए, 26 को 40 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस 9 49 हो जाएगा, तो दिस शुड बी 49, बट इट्स रिटन हियर रॉन्ग, दिस इज व्हाई इट्स 49। फिर सरकार देखते हैं अगले पार्ट में उसने क्या कहा है, अगले पार्ट में उसने कहा देयर आर 27 वैल्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, अच्छा जी 27 का मतलब यहां से हम 27 वैल्यूज ऐड करेंगे, तो 27 वैल्यू ऐड करेंगे हम किस में, 27 यहाँ तक हमारे पास आ गई थी 48 में 27 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50 और 25 65 हो गए, 65 हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ गई 65 वैल्यूज आ गए, ये 65 वैल्यूज हो गई। और फिर आखिरी हिस्सा हमसे कह रहा है कि ये इस 65 में हम ये 25 वैल्यूज और ऐड कर लेते हैं, तो 65 में अगर हम 25 वैल्यूज और ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 5, 70, 90, ये 90 वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास, तो यूं आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन रहा है वो 0 से लेकर 100 तक का बना है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 90 आ रही है। आइए देखते हैं कैसे प्लॉट किया जाएगा, देखते हैं सरकार। अच्छा देखिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था, वही हुआ कि हमारे पास वैल्यू से कुछ कम है, खैर प्लॉट कर लेंगे हम जी। अब जरा देखिए हमारे पास 0 पे 0 मार्क हुआ है, यस वी हैव 0 ऑन 0। नेक्स्ट आपसे वो कह रहा है 20 और 9, तो 20 और 9 का मतलब है आप देख सकते हैं 20 और अप्रोक्सीमेटली 8 और 9 करीब करीब सही मार्क हुए हैं। फिर आप देख सकते हैं 40 पे आपको दिख रहा है 23, it should be 23 on 40, और 40 पे ये 20 से कम है, इसका मतलब इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ तक हो गया 25 इस डॉट पे, लेकिन 23 का मतलब थोड़ा सा नीचे आएंगे सर, ये हम आ गए यहाँ पर 23 पे, और यू जब उसको पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर आप अपना कर्व यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको ज्वाइन कर लें इसके साथ, ये आपका कर्व कंटिन्यूस हो गया। अब आइए देखते हैं 60 पे उसने क्या मार्क करा, ये वैल्यू 60 पे उसने आपसे कहा 49, आप देख सकते हैं 60 पे 49, आइए 60 पे 49 मार्क करते हैं, ये कहाँ होगा 60 पे 49, 49 का मतलब ये वो सरकार की यहाँ तो हो गया 50 स्लाइड से नीचे, ये हो गया 50, तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आकर ज्वाइन कर दूं तो ये 50 से ज्वाइन हो गया, और मैं इस पॉइंट को भी ले आकर ज्वाइन कर दूं यहाँ पर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा जी अब हमारा ये पॉइंट बचा है, इसको कहाँ लेके जाना है आइए देखते हैं, ये पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा 80 पे हमें दिया गया है सरकार, 80 पे 65 दिखाया गया है, तो 80 पे 65 का मतलब ये हो गया सरकार कि ये हम हैं 60, ये हो गया 65, 80 पे आ गया 65, आप देख सकते हैं 80 पे आ गया 65।
आखिरी पॉइंट आपका है 100 पे, और 100 पे आपको दिखाया गया है 90। तो 90 हमारे पास जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम 90 रख रहे हैं। ये आ गया हमारा 90 आ गया, 80 पे हमने 90 को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से इस कर्व को मिला लेते हैं इसके साथ, तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आइए इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब आइए जरा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल देख लेते हैं। मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा, आप वो पहले भी कर चुके हैं। लोअर अपर क्वार्टाइल की बात कर लो, टोटल वैल्यू हमारे पास 90 है। आई रिपीट, टोटल वैल्यू हमारे पास 90 है। तो 90 का हाफ होता है 45, और उसका हाफ हो जाएगा 22.5, 22.5। तो ये लोअर क्वार्टाइल बनेगा हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया 25, 22.5 का मतलब इसके भी बिल्कुल दरमियान में आ गया मैं। यहां से मैं लाइन एक्सटेंड करूंगा, ये कर्व को मीट करेगी, और फिर यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आखिर इसकी वैल्यू क्या बन रही कर्व की। देख लेते हैं सरकार क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास का। जी अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मेजर करूं तो ये बनता है 25, ये बनता है 30, 35, 30, ये अराउंड बनता है 37 बन रहा है, 37 और 38। चलिए जी हम इसको 38 लिख देते हैं यहाँ पर। ये आ गया आपका लोअर क्वार्टाइल आ गया। अब अपर क्वार्टाइल के लिए देखिए, अपर क्वार्टाइल होता है 3/4, तो 45 का 3/4 क्या होगा, तो 45 का 3/4 बना जी 45 का सॉरी 90 का मैं 3/4 निकालना है। टोटल वैल्यू हमारे पास 90 है, 90 को हम को डिवाइड में 4 करेंगे और मल्टीप्लाई में 3 करेंगे। कोई बताएगा मुझे क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं 90 का 3/4 निकालूं? आई रिपीट, मल्टीप्लाई बाय 3 करें और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए 90 को, आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर 3/4 क्या होगा। जी हैद, 67.5। आइए देखते हैं 67.5 हमें कहाँ मिलेगा। देखिएगा सरकार, ये आपका हो गया 65 और ये हो गया 67.5, बिल्कुल के दरमियान में आ गया, 60 और 70 के बिल्कुल दरमियान में आ गया। यहाँ से पहुंच के मैंने इस कर्व को टच किया इस पॉइंट पर, और यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे कि आखिर यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। Let's see what is the result. अच्छा जी, ये 80 से कुछ ज्यादा आ रहा है। अगर मैं कहूँ ये 80 है, ये 85 है, ये 90 है, तो ये अराउंड 82 हमारा रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी 82, तो 82 लिख लेते हैं, ये हमारा अपर क्वार्टाइल आ गया, दिस इज योर अपर क्वार्टाइल। अब जरा याद करते हैं कि इंटर क्वार्टाइल क्या होता था, वो जरा याद कर लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q3 - Q1, अगर आप Q3 में से Q1 को माइनस कर लें तो आपके पास अपर क्वार्टाइल आ सकता है, और लोअर क्वार्टाइल हमारा होता है Q1। हम इन दोनों को माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। जी बताना पसंद करेंगे जी, अगर हम 82 अपर क्वार्टाइल है और 38 इंटर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आएगी हमारे पास? शाबाश, मैं आपके सामने वर्किंग भी करते जा रहा हूं ताकि आप लोग देखते भी रहें। जी हमें इंटर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, यानी कि Q3 में से हमें माइनस करना है Q1, तो Q3 में से हम माइनस करेंगे Q1, और Q3 कहते हैं हम अपर क्वार्टाइल को, और Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल। इन दोनों के रिजल्ट्स को हम माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। जी अब जरा देखते हैं कि हमारे पास Q3 हमारे पास आया था 82, Q3 हमारे पास था 82, या जी हमने 82 लिख लिया यहाँ पर, 82
माइनस और वो हमारे पास आया था 38, तो इनको माइनस कर लेंगे 82 माइनस 38। जी हाई साहब क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास? 44। जी हाई साहब कह रहे हैं कि रिजल्ट 44 आ रहा है, बाकी लोग भी चेक कर लिए, कोई इसमें डाउट हो तो बता दीजिएगा ताकि हम करेक्शन कर लें। ये हमारे पास रिजल्ट आया है Q3 Q1, आप देख सकते हैं these are the Q3 and Q1, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। जी ये हमारे पास आ गए इंटरक्वार्टाइल रेंज विच इज 44, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की मदद से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बआसानी। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ जो अभी तक हमने आपसे कहीं डिस्कस नहीं किया है, अब उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा सवाल ये है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर विच आर ग्रेटर देन, आई रिपीट, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर विच आर ग्रेटर देन 65, विच आर ग्रेटर देन 65। मैं अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ, कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 65 से ज्यादा हैं? तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर है, ये तो मुझे कैलकुलेट करके बताना है। 65 कहाँ, ये लिखा 65, यहां से मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। अच्छा जी चूंकि ये बार बार हमें दिखा रहा है जूम क्लास एंड करने का, जस्ट मैं क्लास को एंड करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट डोंट गो अवे, ठीक है जी।